आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शासन के निर्देश पर हो रही साप्ताहिक बंदी पर बोले मंडलायुक्त जयंत मार्लिकर, कहा रविवार को रहेगा साप्ताहिक बंदी, सभी दुकानों को किया जाएगा सैनिटाइज, लोग करें साप्ताहिक बंदी का पालन, सही ढंग से लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंस का पालन। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का गोरखपुर पुलिस ने लिया संज्ञान, गंभीर धाराओं में मुकदमा किया दर्ज, आरोपित जयप्रकाश मिश्रा को किया गिरफ्तार, एसएसपी ने दी जानकारी। बांसगांव क्षेत्र में चुनावी रंजिश में बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी को मारी गोली, हालत गंभीर, पुलिस ने मुख्य अभियुक्त सहित लगभग डेढ़ दर्जन नामित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मंडलायुक्त जयंत मार्लिकर ने किया कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण, किया बैठक, कहा सोशल डिस्टेंस तथा मास्क को सही ढंग से लगाकर करें कोरोना से बचाव। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार जिला न्यायालय में होगा न्यायिक कार्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा 2 दिन बंद रहेगा न्यायालय, सोमवार से होगा न्यायिक कार्य। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 773 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 27,387, अब तक 380 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 5,025 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। सदर सांसद रवि किशन ने रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण, कोविड 19 के हो रहे जांचों से दिखे संतुष्ट, कहा लगाए मास्क, रहे सुरक्षित। मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा व जिले के कोरोना के नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड 19 के संक्रमण के रोकथाम संबंधित बैठक, लोगों को जागरूक कर कोरोना पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद महाराजगंज व गोंडा जाने वाली फोर्स को एसपी ट्रैफिक द्वारा ब्रीफ करने के बाद गंतव्य को किया गया रवाना, एसपी ट्रैफिक ने कहा आचार संहिता का पालन करते हुए सकुशल संपन्न कराए पंचायत चुनाव। मंडलायुक्त जयंत मार्लिकर ने शुक्रवार को चरगावा स्थित कोरोना टेस्टिंग सेंटर का किया औचक निरीक्षण, टेस्टिंग काउंटर की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश, कहा रविवार को साप्ताहिक बंदी करके पूरे क्षेत्र को कराया जाएगा सैनिटाइज। राजघाट थाने पर नवनिर्मित महिला हेल्प डेस्क का शुक्रवार को एसएसपी दिनेश कुमार पी द्वारा फीता काटकर किया गया लोकार्पण, थाने का किया निरीक्षण, एसपी सिटी ने कहा महिला हेल्प डेस्क से थाने पर आने वाली महिला फरियादियों को मिलेगी राहत। जनपद में जिला अस्पताल सहित 86 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन, सीएमओ ने नागरिकों से की अपील, बहुत आवश्यकता पर मास्क लगाकर निकले घर से बाहर, कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन। निषाद राज गुहा की जयंती के अवसर पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराजा गुहाराज निषाद की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, निकाला श्रृंगवेरपुर धाम के लिए मोटरसाइकिल जुलूस, पार्टी के अध्यक्ष ने कहा 17 अप्रैल को निषाद राज गुहा की 180 फुट की मूर्ति का किया जाएगा शिलान्यास। गोरखपुर कुक एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर सरकार से की मांग, नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर किया जाए रात्रि 11 बजे तक। और कोरोना से संक्रमित हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर किया रुद्र अभिषेक, कहा पूरा देश मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कर रहा है कामना।